गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम लोग निकल चुके हैं, अभी पहुंचने वाले हैं बस क्रिकेट ग्राउंड पे। आज शायान का सेमीफाइनल मैच है अंडर 16 का, बहुत ही सुनहरा अवसर है शायान के लिए और बहुत ही एक आज कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा है शायान की। अंडर 16 का पहला ही टूर्नामेंट और उसमें भी सेमीफाइनल मैच, ये सुबह के 8:30 होने वाले हैं और तकरीबन हम लोग ग्राउंड पे पहुंच ही गए हैं, बस 5 मिनट की दूरी पे हैं। तो चलिए मिलते हैं ग्राउंड पे और देखते हैं क्या कुछ घटता है आज। ग्राउंड पे पहुंच गए हैं और ये देखें, पिच भी लगभग तैयार है, विकेटें लग चुकी हैं। हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है, शायान भी पहुंच गए हैं ग्राउंड पे। बहुत ज़्यादा अभी भी शबनम पड़ी हुई है और हालांकि धूप खिल चुकी है मैदान पे पूरी तरीके से, और शायान पिच का मुआयना करने के लिए निकल पड़े हैं। देखते हैं किस तरह की पिच है आज और ये किस तरीके से खेलेगी। हालांकि ग्राउंड वेट है बिल्कुल, ओस की बूंदें बिखरी पड़ी है चारों ओर, आप देख सकते हैं बिल्कुल गीली ग्राउंड है, चमक बिखरी हुई है। और शायान देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं पिच का, क्या कंडीशन है। शायान कैसा लग रहा है? अंदर थोड़ा लगता है गीला है। हाँ, क्योंकि शबनम बहुत ज़्यादा गिरी है ना, तो ओस की वजह से थोड़ी सी पिच गीली है अभी, लेकिन थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ खिल रही है, तो आधे घंटे तक जब तक मैच शुरू होगा बिल्कुल पिच परफेक्ट हो जाएगा बैटिंग के लिए, है ना शायान? चलो फिर। वो सूख जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारी टीम तो पूरी की पूरी मैदान में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी विपक्षी टीम का कोई अता पता नहीं है। 9:30 तक मुझे ऐसा लगता है कि मैच शुरू हो पाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है ये, बहुत ही प्यारा ग्राउंड है, यहाँ पे मैच खेलने का अपना ही मज़ा है। और धीरे धीरे दूसरे प्लेयर्स भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि 9:30 तक मैच स्टार्ट हो जाएगा। 40 ओवर्स का ये मैच सेमीफाइनल अंडर 16 का। तीन सौ 17 रनों की टारगेट थी और अब ओपनिंग जोड़ी मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। 318 रन चाहिए जीतने के लिए 40 ओवर्स में। शायान और ईदान एक बार फिर से कमान संभालेंगे बल्लेबाजी की और विपक्षी टीम पहले तो 317 रन बनाकर काफ़ी आक्रामक मुद्रा में है और अब फील्डिंग के लिए मैदान के अंदर जाते हुए। बॉलर हैं लकी, जो कि पहले ओवर की शुरुआत करेंगे, और स्ट्राइक में हैं शायान, जो बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। 317 रन बनाकर बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है पहले, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये मैच। और अब शायान सामना करेंगे इस मैच में पहली बॉल का। बॉलर और पहले ही बॉल पे शायान ने गली की दिशा में खेलकर खाता खोला। लकी की अगली बॉल और
अब सामने आ गए हैं ईदाम। लकी काफी तेज गति से बॉलिंग कर रहे हैं और एक और रन का इजाफा। ईदान ने भी अपना खाता खोला। दोनों ही बल्लेबाज एक एक रन बनाकर खेल रहे हैं इस वक्त। दो गेंदे दो रन। अब आ गए हैं शायान सामने बल्लेबाजी के लिए। लकी अपने ओवर की तीसरी बॉल लेकर तैयार और सामने है शायान और एक और गली की दिशा में खेल के एक और रन। शायान पहुंच गए हैं इसके साथ ही दो रनों पे और ईदान एक रन बनाकर खेल रहे हैं। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति हो गई है और इस ओवर से तीन रन आए। शायान दो और ईदान एक रन बनाकर खेल रहे हैं और एक बार फिर से शायान स्ट्राइक की तरफ बढ़ते हुए। अब मयंक नए ओवर लेकर आ गए हैं दूसरे छोर से और सामने है शायान जो कि दो गेंदों में दो रन बनाकर खेल रहे हैं। मयंक अपने पहले ओवर की पहली बॉल लेकर और सामने है शायान और ये कट कर दिया है शायान ने पहली ही बॉल पर थर्ड मैन और गली के बीच से चार रनों के लिए। अगली बॉल लेकर तैयार। कोई रन नहीं, बीट करके मारना चाहते। मयंक की अगली बॉल सामने है शायान पिछली गेंद पर और ये क्लीन बोल्ड हो गए।